बॉस के घर के से बाहर आ चुके हैं, कैसा फील हो रहा है? मतलब वहाँ का एक अलग माहौल होता है और यहाँ का एक अलग माहौल, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत मिक्स सी फीलिंग है, क्योंकि इधर बहुत शांति है, यहाँ पे आराम से अब सोने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जब जी में आए तब आप उठो, जो जी में आए करना है कर लो। वहाँ पे ये था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठना था, सोना था, पर्टिकुलर चीज़ें ही करनी थी। सो बहुत ही मिक्स सी फीलिंग है, अचानक से आज़ादी मिली हुई है, लेकिन अभी भी उस गुलामी की याद आ रही है मुझे, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला हूँ। साढ़े तीन महीने ऑलमोस्ट रहा हूँ मैं, तो तीन महीने, हाँ, तो इतने दिन रहना उस घर में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा आप सफोकेटिंग होने लगता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, जिन लोगों से झगड़ा होता है उन्हीं के साथ आपको रहना है, फिर पैचअप, फिर दोस्ती, फिर झगड़े और चीज़ों पे लड़ाई, कौन सी चीज़ पे कौन झगड़ा चालू कर दे, कौन सी चीज़ पे किसके साथ क्या बहस हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। हाँ, आपको इस तरह से शो कर दिया, तो अगर विशाल को काम मिल रहा है तो बर्तन मिलने वाला ही मिल रहा है। हाँ, तो इस वजह से काफी ज्यादा आपके फैंस थे जो नाराज भी थे। ओके। क्योंकि यार विशाल को कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसे लोग अकेला छोड़ दे रहे, जो घर के अंदर मेंबर्स हैं उन्हें वो विशाल को कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, कोई तो घर का एक मेंबर भी नहीं, उस पर आपकी क्या? अब मुझे लगा था, लेकिन बाद में रश्मि और आसिम थे सपोर्ट में। और रही बात वो बर्तन की ड्यूटी की, सच मानिए कि उस घर में बहुत कम लोग रहते हैं जो अपना ड्यूटी करते हैं, और अगर सारे लोग ही करने लगे तो फिर घर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि पहले तो उस घर में जाने का मौका मिला, और वो ड्यूटी करके ना एक दो घंटे का टाइम पास हो जाता था उस घर में, आप एक टाइम पास ढूंढ लेते हो। तो मैंने तो कई बार बर्तन की ड्यूटी ली इसी वजह से कि चल भाई, एक तो बर्तन भी धुल जाएंगे और दूसरा कि टाइम पास हो जाएगा, और मुफ्त की रोटी तो तोड़ने गए नहीं हो ना, तो अगर कोई आपको बना के खिला रहा है और वो किचन पॉलिटिक्स, तो मैंने ये सब पॉलिटिक्स की ही नहीं है, तो फिर इसमें मैं अब बर्तन की ड्यूटी पे क्यों झगड़ा करूँगा। सो ये था, और मेरे फैन नाराज़ ना हो वो काम करने का एक अलग ही मज़ा है उस घर में। मतलब मैं अच्छी दो बात पॉजिटिव ये है कि आप अपने आप से मिलते हो, उस घर में जाते हो तो आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। पॉजिटिव ये है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों से सीखो कि इस तरह के माहौल में भी कैसा रहना है, क्योंकि हर कोई आपके ऊपर पॉइंट करने वाला होता है सामने से। सो आप इससे अवेयर होते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि आपके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है और आप बहुत इरिटेट होने लगते हो। अगर आप फन लविंग भी हो तो आप उतने ही मतलब उस पूरे घर के जैसा इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें आप बहुत दिन तक उसको लेके नहीं चल सकते हो, या आप गुस्सैल होते हो, या फिर आप बहुत रिएक्ट करते हो। सो ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि आपका ये एक्चुअल रूप बाहर धीरे 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 आने लगता है, और नेगेटिव है जो कि अननेसेसरी फाइट होती है। वो अच्छा, जैसे कि आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और आप टॉप 5 में, आपका एक ड्रीम था कि मैं टॉप 5 में जाऊं, लेकिन आपको घर के अंदर सब लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग समझ रहे थे। नॉर्मली जब आपकी एंट्री हुई थी तो मतलब जो बिग बॉस के फैन है तो वो तो कहते हैं सिद्धार्थ को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो विशाल देगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पता है कि नहीं पता है, यहाँ पे आपकी वोटिंग लाइन को बंद कर दिया गया था कुछ वक्त पहले, यहाँ पर आरती से ज्यादा आपके वोट थे, तो इस पर आपके क्या राय सिद्धार्थ को लेकर, क्योंकि कॉम्पिटिटर वहाँ पे कोई एक लग रहा था तो वो विशाल लग रहा था, और यहाँ पे आपका जब इलेक्शन हो गया और ये वोटिंग लाइन पर आपकी क्या राय, आप बताइए। मेरी राय ये है कि मैं उस समय जब मैं बाहर आया तो मैंने ये सब सुना, और मैंने ये सब को पढ़ा भी नहीं है, उसके डिटेल्स को मैं जानता भी नहीं हूँ। ये ऑडियंस का प्यार है जो अपना प्यार दिखा रही है इस तरह से, और मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था एविक्शन, क्योंकि टॉप 5 के पहले निकला, और उसकी गलती किसके ऊपर मैं बोलूँ, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया होता उस टास्क में तो शायद मैं बच जाता, लेकिन नहीं बचा। और बुरा इसी बात का है कि मैं जा सकता था टॉप 5 में। सो और रही बात सिद्धार्थ के अगेंस्ट खड़े होने की, या फिर वो कोई जानबूझ के नहीं करना था, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से
राजी नहीं होता, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं राजी होते हैं, हम दोनों का क्लैश यही चलते रहता है। तो ये जानबूझ के नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ मेरे साथ पहले दोस्त थे, फिर उनके साथ मेरी ये जो भी झगड़े वगड़े हुए। सो कुल मिला के ये कहूँगा कि जो बाहर से दिखता है वो वैसा अंदर नहीं होता, जो अंदर होता है वो शायद बाहर से वैसा ना दिखता हो। यार लोग अजम्पशन अपना खुद का लगा रहे हैं, और ये उनका कितना सही है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा घर में? और लास्ट में आसिम और रश्मि के साथ। मेरा आसिम के साथ, अब मोस्ट तो आसिम के साथ ही, क्योंकि मेरा एक भी झगड़ा नहीं हुआ है उसके साथ, कोई बहस नहीं हुई है उससे उसके साथ में। अच्छा, आसिम का अगर न्यूज़ पता हो आपको, अभी उनका एक न्यूज़ फैल रहा है कि वो रिलेशनशिप में आज भी कंटिन्यूस सोना रेंगुलेटर का स्टेटमेंट उसने दी है कि आसिम की गर्लफ्रेंड है अंदर, और फिर भी वो हिमांशी को प्रपोज कर रहा है, और वो आज भी कमिटेड है, वो सिर्फ एक फेक है आसिम। तो इस पर आपको क्या राय है? मुझे आसिम ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई रिलेशनशिप में है, तो मैं उस पर ही बात मानूंगा। और हिमांशी को लेकर उसने हमेशा बोला है कि मुझे बहुत प्यार है उससे यार, और मैं मतलब डीपली प्यार है या जो भी, और उसने टेलीविज़न पे भी कई बार बोला है। अब बाहर की दुनिया को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, मुझे तो इसलिए सच लग रहा है क्योंकि वो 24 घंटे ही ये बात बोलते रहता है। तो अगर कोई 24 घंटे बोल रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं तो सच ही बोल रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार वो, जो भी करता है या बोलता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फेक है या रियल है ये मैंने बोला ना, ये बाहर के लोग बोल सकते हैं, मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ उसी वजह से हुई है। अब वो घर के अंदर थी, अभी घर के बाहर आएगा तो कैसी फ्रेंडशिप होगी वो भी नहीं पता है, कि तो पता चलेगा ना कि वो कैसा है कैसा नहीं है। बाहर से मैं कैसे बताऊं, और अंदर से जितना रह के आया हूँ मुझे तो रियल लगा है, मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ रियल थी। वो तो है। अच्छा शायद आपको घर में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन है? सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग एक्चुअली बताऊं तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला लगते हैं। क्यों लगा? इरिटेटिंग है यार वो ना, अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चलते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत वो जिस तरीके से वो पोक वोक करते थे ना, तो कई बार इरिटेट कर देते थे। कई बार उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सामने वाले की बात ही नहीं सुनते और ना ही समझना चाहते, तो इरिटेट हो जाता है इंसान। मेरे लिए इरिटेटिंग वो थे इसकी वजह से, क्योंकि समझना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपना ही लॉजिक रखना है। और अगर आप लॉजिक मानते नहीं हो, झगड़ा होता है तो पूरे दिन उस झगड़े को खींचते रहना है, दो दिन तक, तीन दिन तक। तो वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं अच्छी लगती हैं। तो वहाँ आरती रिजर्व करती है या मतलब शहनाज इन दोनों का, लेकिन यहाँ पर विशाल को जोकर बना दिया गया और यहाँ पर कंफ्यूज का टैग है आरती से लेकर विशाल पर। देखो उस घर में टैग सबको मिलते रहते हैं, और कन्फ्यूज़ का टैग उन लोगों ने नहीं दिया था। क्या होता है ना कि फ्राइडे को कुछ बातें होती हैं और उस बातों में कुछ कुछ फोन्स आते हैं, तो उसमें उन लोगों ने बोला कि आप मधुरिमा को लेके कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, तो उस वजह से लोगों ने वो देने लगा। और मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कन्फ्यूज़ या शातिर है या चालाक है या क्या है। मैंने बोला ना कि इतने सारे कैमरे हैं और हमेशा खुले हुए हैं वो कैमरे, और आप छुप नहीं सकते उन कैमरों से, सो आपकी रियलिटी पता चली जाएगी। जोकर उन लोगों ने, अब जैसा कि आपने बोला ही अभी कि शहनाज और आरती भी थी, एक टीम टास्क करती है और एक पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट करते हैं, सो वो बस वही है और कुछ भी नहीं है। वो यही है कि वो उस टीम को, अपनी टीम को वो टैग नहीं देना है, और रश्मि और आसिम को नहीं देना है कि क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ उनको नहीं छेड़खानी करनी है, तो फिर बचा विशाल, तो फिर उसको वो दे दो। और मैंने बोला भी था कि ऐसा कोई भी नहीं है, कि जोकर उन लोगों ने बोला था कि रिश्ते का मजाक जो भी बना हम लोग के उसकी वजह से, तो वो तो दो लोगों की वजह से बना। और मैंने बोला भी था कि ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पे जिसने अपने रिश्ते का मजाक नहीं बनाया, तो सारे जोकर हैं। अच्छा बिग बॉस के घर में आप तो वैसे ही मधुरिमा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीन हुआ, तो यहाँ पर आपने डिसाइड किया था कि मैं मधुरिमा से बाहर जाकर एक बार जरूर। अरे बाप, हाँ क्या कट के कितना दिखा,
क्या आया और क्या रीज़न थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उनसे मिलना है, और वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और उनको बेस्ट विशेस दूंगा और क्या दूंगा, अच्छे नोट पे जैसे आपने बोला। अच्छा, जैसे कि आपका जो कनेक्शन बनकर भाई आए थे उस टाइम, मतलब जो है सिद्धार्थ शुक्ला, स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला विशाल, मतलब आपके सामने आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे थे, तो कहीं आप ही भाई भी थे, तो एक इम्प्रेशन पड़ता कि नहीं अभी कोई बड़ा आया, मतलब घर से आया, तो एटलीस्ट इस टाइम तो बिग बॉस के घर में कोई तमाशा ना करे, कनेक्शन के सामने तो ना करे, वहाँ पर आपकी उस तरह से तो एक रिश्ते को लेकर तो इंसल्ट कर ही रहे थे, लेट डाउन, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो टारगेट करते थे, तो आसिम को बाथरूम की ड्यूटी मिली थी, रश्मि ने काम करने से मना कर दिया, अब बच्चा मैं, और वो जब सामने से कह रहे हैं कि वो उनको नहीं करेंगे टारगेट या नहीं देंगे वो काम जो उनके कनेक्शन से हैं जिन लोगों ने कैप्टन बनाया, तो बच्चे दो ही लोग मैं और आसिम, तो हमें भी बड़ी बड़ी ड्यूटी दे दी, और वो टारगेट नहीं कर सकते किसी को उनमें इतना वो, और कोई भी किसी को नहीं कर सकता, बस क्या होता है कि किसका चल रहा है, अब वो कैप्टन है ठीक है उस घर के, और फालतू की बहस लड़ाई हुई थी मेरी उस बार सिद्धार्थ से, और मैंने बोला था कि ये गलत है, अब किसी को नहीं मानना है तो कोई उसको ज़बरदस्ती चाकू के नोक पे तो मना नहीं सकता है। और रही बात मेरे रिश्ते की मजाक बनाना, वो करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके और शहनाज के रिश्ते का मजाक नहीं बनाया, हमेशा शहनाज को समझाया ही है जब भी लड़ाई हुई है, सिद्धार्थ से बात की ही है। सो क्या है कि कौन क्या करता है आपके साथ, अगर आप सेम वैसा ही करोगे तो उनके लेवल पर चले जाओगे, तो लेवल पे नहीं जाना ना, अपना अपना संभाल के रखना है। के रिश्ते को लेकर क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता रिश्तों के ऊपर किसी के नहीं, भी आपको क्या लगता है, फ्रेंडशिप है, इंजॉय करते हैं, हाँ नहीं, अब जिनको जो समझ में आता है वो वही समझेंगे, फ्रेंडशिप है मेरी तरफ से, जिसको जैसे रहना है इस दुनिया में वैसे रह सकता है। अच्छा, आपको जैसा अभी काफी ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि बिग बॉस को लोग बायस्ड बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा शो है कि सलमान खान जो है पता नहीं पसंद करते हैं सलमान सर सिद्धार्थ को शायद, एज अ पर्सन या जो भी है, बातों से तो लगता है, बायस का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि अंदर से क्या शो कैसे गेम घूमता है, किस तरह से चलता है, ये एक ऑडियंस है ये, और इस बार क्या हुआ कि शो इतना पॉपुलर हो गया है ना, सबके अपने अपने फैन बेस बन गए हैं, तो क्या हो रहा है कि सभी चाहते हैं कि उनके कंटेस्टेंट अच्छे दिखे, अच्छे हो, अच्छी पोटेंशियल हो, इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से इतना क्योस मचा हुआ है। विशाल, जैसे कि अभी आपको सब लोग बिग बॉस के घर में देखा, नचवलिए में देखा, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा आपका, मतलब आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। यहाँ पर आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं, आप बताइए बिग बॉस के घर के बाहर आने वाले। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी रेस्ट करूँगा, दो दो रियलिटी शो किया उसके पहले भी काम करते, लगातार काम करते आ रहा हूँ, सो थोड़े दिन रेस्ट करूँगा, एक्टिंग को मिस कर रहा हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो शायद जल्दी कुछ एक्टिंग करूँगा।